अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू वीडियो। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो ये है कि जिन लोगों को बाल झड़ होता है, जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं और मतलब हालत जो है वो इतनी है कि यूँ लठें उतर रही हैं पूरी, और आप लोगों को प्यास का पानी जो एक रेमेडी नॉर्मली चल रही है सब लगा रहे हैं वो भी सूट नहीं कर रही है, प्लस चावल का पानी भी सूट नहीं कर रहा है, तो ये वाली जो रेमेडी है ये लगाइए, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैं पर्सनली खुद कर रही हूँ ये, तो इसलिए मैंने कहा आज आप लोगों के साथ इसको शेयर करते हैं कि इसको कैसे करना है और किस किस तरीके से हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। लेट्स चेक आउट कि मैं कैसे बना रही हूँ ये रेमेडी या ये मास्क कह लें, बेसिकली वो मास्क है। लेट्स चेक आउट कि मैं ये मास्क कैसे बना रही हूँ। अच्छा जी, हम बना रहे हैं मास्क। ये मास्क जो है वो ओवरनाइट लगाना है। ये मैंने 1 टीस्पून जो है, अप्रॉक्स 1 टीस्पून ही है ये, 1 टीस्पून अदरक का पानी ले लिया। अदरक का पानी कैसे लिया है, ग्रेट किया है अदरक को, उसके बाद उसे किसी कपड़े में या छन्नी में रख के उसका पानी एक्स्ट्रैक्ट निकाल लिया है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत आ भी रहा है अदरक तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमने सबसे पहले ले लिया है अदरक का पानी और अब आगे का फर्दर प्रोसेस हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, हमने अदरक का पानी ले लिया था, अब हम उसके बाद ये 2 टेबल स्पून लेंगे कोकोनट ऑयल। मेरे पास कोकोनट ऑयल है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं जो भी आप यूज़ करते हैं। ठीक है, 2 टेबल स्पून इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पानी के साथ मिक्स होकर ऑयल की जो एक मतलब चिकनापन होता है ना, वो थोड़ा सा इसमें ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये आपको लगाना है ओवरनाइट। आप इसको बहुत, ये मिक्स नहीं होता है बट आपको इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अब आप इसको मांग कर करके अपने पूरे सर में लगाएंगे। ऑयलिंग कैसे करते हैं उसकी पूरी वीडियो मेरे पास मेरे चैनल पर मौजूद है, वो मैं आप लोगों को लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, मैं इसको लगा के वापस आती हूँ। अच्छा जी, आप लोगों ने मास्क बनाना देख लिया है, एप्लीकेशन वैसे ही है जैसे हम हेयर ऑयल अपने सर में लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। उसकी भी हेयर ऑयलिंग की भी रेमेडी, सॉरी हेयर ऑयलिंग की भी वीडियो मेरे चैनल में मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्लस ये आपने हेयर ऑयलिंग कर ली, मैंने हेयर ऑयलिंग करने के बाद इस तरीके से चुटिया बांध ली है। चुटिया लाजमी बांध के सोएं, रात में बाल को ले नहीं सोने चाहिए क्योंकि वो बाल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बाल घिसते भी हैं और एक्सट्रीम लेवल तक फिर टूटते भी हैं। आपने ये लगा लिया, पूरे सर में ऑयलिंग कर ली, चुटिया बना ली, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो बचा हुआ है जो आपने ग्रेट किया था, ग्रेट करके जो पानी निकाला है, जो उसका ये फोक बचा है अदरक का, आपने इसको लेना है। ठीक है, इस तरीके से, और ये अपने मेरे इस जगह पे देखे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैं इस जगह पे, इसके अंदर अभी भी इसका पानी मौजूद है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको रब कर लूँगी पूरे अपने ये फोरहेड की लाइन पर। ठीक है, ये जो मेरी हेयर लाइन आ रही है इसके ऊपर मैं पूरा रब करूँगी, कान के पीछे। ठीक है, पूरा पूरी ये पीछे बैक पे, नेक पे, अगर इसमें से ख़त्म हो जाए दूसरा लेने, मेरा भी चल रहा है ये ऐसे, तो मैं इसको अभी यूज़ करूँगी। ठीक है, ये अच्छे से आप इसको अपने पूरे सर में लगा लें। ठीक है, पूरा ही लगा लें, ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये मास्क जो है, अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है हेयर फॉल हो रहा है तो आप इसको ट्वाइस अ वीक करें, हेयर फॉल कम हो जाए तो इसे वंस अ वीक कर दीजिए, और अगर हेयर फॉल ख़त्म हो जाए जैसे बाल नहीं गिर रहे तो आप इसको वंस इन अ मंथ कर दीजिए। मैंने भी ऐसे ही किया था, ट्वाइस इन अ वीक था, फिर वंस इन अ वीक हो गया और अब वंस इन अ मंथ है। ठीक है, ये मैं अभी काफ़ी दिनों के बाद लगा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ महसूस हुआ कि शायद मेरे बाल दोबारा झड़ रहे, तो क्योंकि मुझे प्याज का पानी सूट नहीं करता तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से किया है। ठीक है, ये सारा मेरे हाथ में जितना भी है मैं ये सारा जो है वो अपने
यहाँ सर में तो खैर लगा हुआ है, सर का इतना मसला नहीं होता है, बस मसला होता है कि यहाँ पे आपके सामने जो जिनके सामने बाल खोरा होता है ना, जिनको बाल खोरा होता है वो लोग भी ये रेमेडी कर सकते हैं। ये मास्क लगाना है ओवरनाइट, कम से कम ओवरनाइट लगाएंगे, उससे ये होगा आप जब सोते हैं ना तो आपके बालों में जितना जो भी आप लगाते हैं उससे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। प्लस इसको लगाने का इसको लगाने का टाइम ही रात का है, आपको दिन में इसे नहीं लगाना है, ठीक है? करके ये आपका पूरा अपने बालों पर इसको लगा लिया, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद हम अप्रोक्स इसको 8 आवर्स तक, जितनी देर तक हम सोते हैं, रखना है। उसके बाद आप नॉर्मल उठ के हेयर वॉश कर लीजिए, आपको इससे बहुत फ़र्क महसूस होगा। होपफुली मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अब मेरे ये बाल देखेंगे, देख रहे हैं ये मेरे बाल ऐसे ही रहेंगे, मैं सारी रात के लिए ही छोड़ दूंगी इसको, क्योंकि मुझे इतनी ख़ारिश है, लिटरली मुझे इतनी ख़ारिश थी कि मेरा हाथ नहीं रुकता था कि मैं किसी तरीके से अपना हाथ ना रोक लूँ कि मैं ख़ारिश ना करूँ। लेकिन अगर कभी कभी आपने देखा होगा मैं वीडियो बनाते में भी मुझे ख़ारिश हो रही होती थी। तो ये रेमेडी मैंने ट्राई की, मुझे इससे इतना फ़र्क महसूस हुआ, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। होपफुली मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।